और इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम खत्म हो गया है। इस चरण में 18 सीटों के लिए 11 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए आज नामांकन पत्र प्रकाश होगी और 28 सीटों तक वापस किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति द्वीप समूह के दौरे पर आज पोखर पहुंच रही है। उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स पद पर नियुक्ति के वास्ते अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए छूट प्रदान की है। पोखर से डिग्रीपुर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा में वृद्धि की गई है। चेतना की ओर से कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में व्यंग नाटक और राजा जी कन्फ्रेंस पर साहित्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और एमबी निकोबार के आज रात 9 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। और अब समाचारों की संख्या श्रीनाथ वशिष के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति इस समूह के 3 दिवसीय दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंच रही है। अपने प्रवास के दौरान समिति प्रशासन के मुख्य सचिव के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मजबूती के लिए किए गए उपायों के बारे में विचार विमर्श करेगी। समिति भारतीय रेल निगम और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 7 नर्स के पद के लिए अधिक से आयु सीमा वाले उम्मीदवारों को राज्यपाल की ओर से राहत प्रदान की है और उन्हें आयु सीमा में एक बार के लिए छूट प्रदान कर दी गई है। नए नियम के अनुसार स्टाफ नर्स के पद के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु 30 वर्ष है, लेकिन अधिक आयु सीमा वाले डिग्री और डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों ने विभिन्न एसोसिएशनों के माध्यम से राज्यपाल से मिलकर आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। इस छूट से सभी उम्मीदवारों से स्टाफ नर्स के 18 पदों की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। ये छूट स्वास्थ्य विभाग की वर्तमान कालीन पदों पर ही लागू होगी। नागरिक उड्डयन निदेशालय की ओर से डिग्रीपुर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा में वृद्धि की गई है और इसके उड़ान कार्यक्रमों में भी संशोधन किया गया है। नए सार्वजनिक अनुसार डिग्रीपुर के लिए प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी, जबकि चैम्बर बे और सरेसा के लिए सोमवार से शनिवार, हडबे के लिए हफ्ते में 4 दिन और कमोटा के लिए हफ्ते में 5 दिन ये सेवा उपलब्ध रहेगी। पचान के लिए हफ्ते में 5 दिन, चौरा के लिए हफ्ते में 2 दिन और रंगत तथा मायाबंदर के लिए सप्ताह में 1 दिन हेलीकॉप्टर सेवा संचालित होगी। कार निकोबार के सोमवार से शनिवार के बीच कुल 15 उड़ानें होंगी। नई सारणी 28 अक्टूबर से लागू होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रशासक के परामर्श से नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त टी जवाहर को पंचायत चुनाव का निदेशक नामित किया गया है। श्री जवाहर को नगर पालिका चुनाव का भी निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा टी जवाहर जिला परिषद, पंचायत समिति और सभी ग्राम पंचायतों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का भी कार्यभार देखेंगे।